नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले और नए नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर बजाइए। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर लेते हैं। आज का शेयर जो मेरे रडार पर आया, पिछले में से 10 दिन से वॉचलिस्ट में डाल रखा था मैंने, मगर आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट बहुत ही अल्टीमेट दे दिया शेयर के अंदर। ये शेयर देखे दोस्तों, ये से धीरे स्लो मूव के साथ ट्रेंड पर चल रहा है, क्योंकि इसमें वॉलीडिटी कम है, मगर ये धीरे धीरे एवरेज के साथ चल रहा है। जैसे कछुए चाल होते हैं ना, वैसे चाल की तरफ भी अब ट्रेंड की तरफ भागता जा रहा है। तो शेयर का नाम है जमुना ऑटो। ये देखिए, मैंने जमुना ऑटो को चार्ट ओपन ही कर रखा है गूगल पे, तो देखते हैं जमुना ऑटो पे आज ये 87.87 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 11 जून 12:08 हो रहे हैं, ठीक है, लाइव मार्केट ओपन है इस टाइम पे। तो ये ओपन होता 87.40 रुपये पे, हाई जाता 88 और लो मारता 85। ये देखिए 85 से 85.5 पे सपोर्ट ले रहा आज, ठीक है, क्योंकि ये इसका 52 हाई वीक है ना, 52 आज ने तोड़ा अपना 88 और ये 85 से लेके 87 के बीच में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। शायद ये आज भी शायद इवनिंग तक ये 90 का ट्रेड भी दे सकता है आज। बट दोस्तों, इसमें हमको इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि ये मेरे सारे कैश का ऑप्शन बता कैश का शेयर बताता हूँ, जिसके अंदर आपको बस ट्रेड लेके एक वीक, दो दिन, चार दिन या 10वें दिन या 15 दिन बाद आपका जब भी प्रॉफिट बुक लगता है कि मेरा प्रॉफिट बुक है, मेरा टारगेट अचीव हो जाता है इन दिनों में, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बाकी आपका बस मैं एंट्री बताता हूँ, एंट्री करिए और शेयर के अंदर बने रहिए और आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ऐसा एक भी शेयर नहीं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट ना मिले। तो जमुना ऑटो का जो मैं शेयर ओपन कर रखा है, ये देखिए इसका डेली पे, ये देखिए इतना है, 5 दिन में इसने 8% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में इसने 24% का रिटर्न दे चुका है ये, और 6 महीने में देखिए 59 यानी 60% का रिटर्न दे चुका है अभी तक ये। तो दोस्तों, ऐसे कुछ शेयर होते जो हमारी आंखों और नज़रों के सामने होते तो हैं, मगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें से एक जमुना ऑटो भी है। तो जमुना ऑटो के चार्ट पे चलते हैं। जमुना ऑटो का चार्ट ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए जमुना ऑटो का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो डेली चार्ट पे देखिए, ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ये 79 यानी 69 रुपये से लेके 84 के बीच में फंसा हुआ था लास्ट 15-20 दिन से। तो ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग यानी एक हफ्ते बाद ये अब ट्रेंड में घुसा एकदम से। ये धीरे धीरे मूव करके चला गया 79 से, देखिए धीरे धीरे। और इसका देखिए MACD पे देखिए, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये MACD क्रॉस ओवर कर रही है इस टाइम पे, दिख रहा है दोस्तों आपको, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, समझ आ रहा है ना, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है एवरेज मूव को। और इसका RSI भी देखिए अब ट्रेंड पे 75% के ऊपर चल रहा है ये, ठीक है। अब हमें चार्ट क्या कहता है, वीकली चार्ट देख लेते हम। तो वीकली चार्ट पे भी ये देखिए, इसका सारा ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ होगा। ये देखिए वीकली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे करेक्शन लेता है, देखिए ये 79 पे करेक्शन लेके फिर ये अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है। तो इसलिए कि अप ट्रेंड पे रहा है पूरा, आज ये क्लोजिंग करेगा तो ये अगर 85 पे आज क्लोज करता है 85 से ऊपर, तो डेफिनेटली मंडे के अंदर इसके अंदर अच्छे अप मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सोलिडेट होके ये अपने अप ट्रेंड की तरफ तैयार हो चुका है। ये पूरी तैयारी पे है, क्योंकि इसका MACD भी अप ट्रेंड की तरफ वो कर रहा है इशारा, इसका RSI भी अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, और ये देखिए यहाँ से देखिए किस तरह से ये अप ट्रेंड की तरफ भाग रहा है। और निफ्टी जैसे डे बाई डे लाइफ टाइम हाई बना रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, घबराने की जरूरत नहीं, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग अब भी स्टार्ट हो चुकी है, इवनिंग तक शायद और भी प्रॉफिट बुकिंग हो या और हाईली जा सकता है इवनिंग। तो बस हम लोगों को इसमें ट्रेड लेके चलना है। तो अब देखते हैं जमुना ऑटो का टिकट टेप पे क्या कर रहा है। टिकट टेप पे 60% एनालाइजर बोल रहे हैं हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और मनी कंट्रोल की साइड पे जाके देखते हैं, तो मनी कंट्रोल की साइड पे भी मैं जमुना ऑटो का ओपन कर रहा हूँ, तो मनी कंट्रोल की साइड पे हमें 100% इन्वेस्टर बोले हमें बाय करने के लिए। तो दोस्तों, बस इसमें हमें बाय करना है, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, इसमें ऑटो के मल्टी ऑटो के पार्ट्स पे डील करती है, ऑटोमोटिव के कंपनी है ये। तो बेसिकली जैसे जैसे अनलॉक होता जाएगा भारत, वैसे वैसे आपको पता है ऑटो के पार्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये ऑटो सेक्टर आने वाला सारे सेक्टर चल चुके हैं, अब ऑटो सेक्टर की डिमांड फिर से बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर अब तेज़ी की तरफ भागेगा। तो जमुना ऑटो के अंदर आपको बाय करना चाहिए, और सही समय है अगर आपको 86 87 से लेके
85-84 से लेकर 87 के बीच में बाय करने को मिलता है, डेफिनेटली बाय करिए। इसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा आपका 93, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 100 रुपये का। ये दो मैं टारगेट दे रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये आप ट्रेंड की तरफ भागेगा, ये लाइफ टाइम हाई दिखाएगा आपने, ये भी हर नीले आसमान की तरफ ट्रेड करेगा ये। अगर ये वीडियो आपकी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।